हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास होने वाला है। फ्रेंड्स, बिना पढ़े आंसर लिखने का आज ज़बरदस्त ट्रिक आपको बताएंगे। फ्रेंड्स, बोर्ड के एग्ज़ाम में जो पैसेज देता है उसका आंसर आप बिना पढ़े कैसे लिख सकते हैं, और ये पैसेज फ्रेंड्स बोर्ड के एग्ज़ाम में 7 नंबर का आता है। आप 7 नंबर इस वीडियो को देखने के बाद पक्का कर सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ 2023 का पेपर है जिसमें अंग्रेजी में आपके पैसेज देते हैं उसका आंसर कैसे लिखेंगे। फ्रेंड्स, आपको पूरा इस बकायदे आपको कॉपी पर लिख के बताएंगे कि आपको आंसर कैसे लिखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए फ्रेंड्स, इसमें आप पैसेज को देखते हैं। पहले देखिए, आपके सामने ये पैसेज है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पैसेज का आता है। देखिए, इसको बिना पढ़े कैसे आप हल करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पार्ट बी में ये पैसेज देता है। आपका प्रश्न क्या है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो, यानी इस पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ना है। देख लीजिए पूरा पैसेज। पैसेज पढ़ने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछेगा। इन 4 क्वेश्चन का यहाँ पे आपको आंसर देना है। तो फ्रेंड्स देखिए, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, टोटल 7 नंबर का प्रश्न रहेगा। इस पैसेज में से ही इन सभी का आंसर आपको मिलने वाला है। पैसेज को एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पढ़ने के बाद देखिए फ्रेंड्स, यदि आपको इसमें से आंसर नहीं समझ में आ रहा तो कैसे आंसर लिखेंगे। पहले नंबर देखिए फ्रेंड्स, जब आपको कापी इस तरह रहेगा तो कापी पर आप ध्यान से लिखिएगा। देखिए, आपका पार्ट बी है, यहाँ पे पहले लिखिएगा पार्ट बी। क्या लिखेंगे यहाँ पे? पार्ट बी, ठीक है। और इस तरह स्केल से खींच लीजिएगा पार्ट बी लिखने के बाद। और कौन सा प्रश्न है? प्रश्नोत्तर संख्या 1, यानी क्वेश्चन नंबर लिखिएगा आप। यहाँ से लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखने के बाद यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, आपको पहले का आंसर लिखना है। जैसे ये पहला है ना, क्वेश्चन नंबर 1 का ए है ना, तो यहाँ पे ए डाल लीजिए। क्या डालेंगे? ए। और इस तरह कोष्टक बंद कर लीजिए और यहाँ से लिखिएगा आंसर, ठीक। अब लिखने के बाद देखिए आंसर कैसे लिखेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है हाउ कैन वेल्थी पीपुल हेल्प द सिक एंड हेल्प लेस चिल्ड्रेन, इसका आंसर लिखना है। और इस पैसेज में आपको जैसे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या आंसर होगा, तो फ्रेंड देखिए आप इन शब्दों को खोजिएगा कहाँ पे लिखा है। वेल्दी पीपुल हेल्प द सिक एंड हेल्पनेस चिल्ड्रेन। जब फ्रेंड्स इस पैसेज को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो पढ़ते पढ़ते जब यहाँ पे आएंगे फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर लिखा है बाय द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हॉस्पिटल ऑफ द सिक। देखिए सिक मिला, फिर इसके बाद देखिए हेल्पलेस चिल्ड्रेन मिला। ये देखिए आपके प्रश्न में हेल्पलेस चिल्ड्रेन है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से लेके पूरा आपको पूरे कापी पे यहाँ तक आपको लिखना है। यहाँ पे आंसर लिखे हैं, देखिए सेम टू सेम इसी को छाप दीजिएगा। आपका एक नंबर भी फ्रेंड्स नहीं कटेगा। देखिए बाई है ना, लिखिएगा बाई, इसको ब्लू पेन से लिखिएगा। देखिए बाई द इस्टे लाइस मेंट ऑफ हॉस्पिटल हास, ठीक है, इस तरह लिखे हास पीटर। देखिए फ्रेंड्स, लिखते लिखते आप क्या करेंगे, पूरा यहाँ तक ये पूरा लिखेंगे यहाँ से लेके और पूरा यहाँ तक फॉर द सिक बाय स्टार्टिंग आप आर फ्रेश फॉर हेल्पलेस चिल्ड्रन, यहाँ तक आप पूरा यहाँ से आप क्या कीजिए कापी पे इस प्रकार से छाप लीजिएगा। पूरा का पूरा नंबर फ्रेंड्स 2 नंबर का है तो 2 नंबर इस पर पूरा मिलेगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरह आप इसका आंसर निकाल लिए। अब दूसरा का देखिए फ्रेंड्स, दूसरा बी है व्हाट वर्क्स ऑफ पब्लिक यूटिलिटी कैन बी कैरिड आउट बाय रिच में। अब इसका आंसर लिखना है। जैसे आपको नहीं पता है, देखिए कैसे लिखेंगे, बस इन शब्दों को पकड़िएगा। वर्क ऑफ द पब्लिक यूटिलिटी कैन कैरिड आउट बाय रिच मैन, इन शब्दों को पकड़िएगा, फिर देखिए आप आंसर कैसे इसका लिखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें जब आप पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे इस तरह, जब यहाँ तक बढ़ेंगे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अदर वर्क्स ऑफ पब्लिक यूटिलिटी सच एज, पूरा इस वाक्य को देखिए, फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन प्रमोशन ऑफ द ग्रोथ ऑफ साइंस एंड एग्रीकल्चर बाय फाइनेंशियल रिसर्च इंस्टीट्यूट में बी कैरिड आउट। देखिए ये पूरा वाक्य यहाँ तक कंप्लीट हो रहा है ना, यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिएगा, पूरा यहाँ तक लिख के छोड़ दीजिएगा आंसर। देखिए आपका जैसे क्वेश्चन नंबर आपको कैसे डालना है, ध्यान से देखिए, बी वाला है ना, तो यहाँ पर लिखिएगा, क्या लिखेंगे देखिए, यहाँ पर लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, देखिए जगह छोड़ के 2 लाइन लिखिए क्वेश्चन नंबर
एक का कौन सा बी वाला ना, तो बी लिख के इसे घेर लीजिएगा और यहाँ पे लिखिएगा आप एंसोर। यहाँ क्या लिखेंगे आप, लिखिएगा यहाँ पे एंसोर, ठीक है। देखिए एंसोर यहाँ पे लिखिएगा, लिखने के बाद देखिए फ्रेंड्स कैसे लिखेंगे इसको ध्यान दीजिए। कहाँ से लिखना है, यहाँ से ना, अदर कैन से, देखिए यहाँ पे अदर है तो यहाँ से लिखिए अदर, अदर लिखिएगा और लिखते लिखते फ्रेंड्स देखिए आप क्या कीजिएगा, यहाँ से अदर लिखिएगा और लिखते लिखते पूरा इस वाक्य को पूरा लिखिएगा यहाँ तक कैरी डाउट, ठीक है। पूरा एकदम लिखना है फ्रेंड्स, जितना पता है सब यहाँ पे लिख लीजिएगा और पूरा लिखिएगा कैरीड, कैरीड आउट लिख लीजिएगा और यहाँ पे इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही एग्जामिनर पूरा लिखे रहेंगे पूरा, तो इस पर पूरा का पूरा 2 नंबर आपको दे देगा। देखिए इस पैसेज को बिना पढ़े आप कैसे आंसर लिख रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए आपको तीसरा वाला का जवाब देना है। देखिए तीसरा वाला का जवाब कैसे देंगे, हाउ डू मैनी रिच पीपुल वेस्ट दियर मनी। यहाँ पे रिच पीपुल है ना, मैनी रिच पीपुल। अब इसमें आप देखिएगा कि रिच पीपुल कहाँ पे लिखा है, जहाँ से रिच पीपुल मिलेगा तो उस वाक्य को यहाँ पे आप छाप दीजिएगा पूरा। देखिए फ्रेंड जब इसे पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, पढ़ते हुए आएंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा है रिच मैन हु लिटरली रोल इन वेल्थ। तो देखिए यहाँ से पढ़ते हुए जहाँ पे ये वाक्य आपका समाप्त होगा, ये पूरा पढ़ते हुए आइए, देखिए जब पढ़ते हुए आगे तक आएंगे तो कहाँ तक समाप्त हो रहा है, देखिए पूरा यहाँ समाप्त हो रहा है ना, तो ये पूरा आंसर आपको इसी तरह सेम टू सेम छाप देना है। सिर्फ एक शब्द को पकड़ना, यदि उसमें मिलता है तो पूरा का पूरा छाप दीजिएगा। अब देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखिएगा क्वेश्चन नंबर, लाइन छोड़ के क्वेश्चन डालिएगा, क्वेश्चन नंबर एक और सी वाला तो सी डालिएगा, इस तरह इसको घेर लीजिएगा और यहाँ से लिखिएगा आंसर। आंसर लिखने के बाद देखिए फ्रेंड्स क्या लिखना है आपको, देखिए यहीं से लिखना है पूरा यहाँ तक, तो यहाँ से आप लिखना स्टार्ट कीजिएगा। देखिए कैसे लिखना है, यहाँ लिखिएगा रिच, ठीक है, रिच मैन हु कामा, जैसे लिखा है उसी तरह लिखना है और लिखते लिखते फ्रेंड्स पूरे वाक्य को यहाँ तक जितना में अटेगा आप उतने में इस वाक्य को कंप्लीट इंटरेस्ट तक है ना, देखिए इंटरेस्ट तक पूरा है तो यहाँ पे इंटरेस्ट लिख लीजिए, क्या लिखेंगे इंटरेस्ट, ठीक है। इस तरह पूरा इसका आंसर दे लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स ये चौथा नंबर का सवाल है जो एक नंबर का, देखिए इसका आंसर कैसे लिखना है, कह रहा है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स सेवरल, यानी सेवरल का यहाँ पे अर्थ पूछ रहा है फ्रेंड्स। आप देखिए जैसे सेवरल का अर्थ पूछेगा तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए जब इस वाक्य को पढ़ेंगे फ्रेंड तो पढ़ते हुए देखिए सेवरल माने होता है अनेक, सेवरल माने क्या होता है अनेक। जैसे आपको हिंदी नहीं पता है तब कैसे लिखेंगे, तो इसमें से कोई स्टार्टिंग का ही ऐसा शब्द उठाइएगा जिसका मीनिंगफुल होगा। तो देखिए सेवरल के यहाँ पे आंसर होगा मैनी फोल्ड, क्या लिखेंगे यहाँ पे मैनी फोल्ड। तो देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डालिएगा, क्वेश्चन नंबर वन, वन का कौन सा डी वाला है तो डी डालिएगा और यहाँ पे फ्रेंड्स क्या कीजिएगा आप आंसर लिखिएगा इस तरह। जब आंसर लिखेंगे बस आंसर में क्या करेंगे, लिख लीजिएगा मैनी फोल्ड, मैनी फोल्ड, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स आपको यदि आपको पैसेज का आंसर नहीं पता था तो कितने आसानी पूर्वक से इसका आंसर लिख लिए, ठीक है। इसी तरह से आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में सभी पैसेज जितना रहेगा आंसर इसी तरह लिखना है, उसी में से आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।